हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फनकारा फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट चना मसाला रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाला है पैन में, और अब हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। और हम जैसे ज़ीरा चटक जाएगा, यहाँ पर हम 1 कटोरी भर करके चना डाल देंगे, जो कि हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। 1 से 2 मिनट तक हम इन्हें ऐसे ही फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तेल में इस तरह से मसाले डालने से चने पर एकदम से कोट हो जाते हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है ये भी डाल देंगे, थोड़ी सी हमने पिसी हुई मिर्ची डाली है ये भी हम इसमें डालेंगे, और 1/2 चम्मच हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। इन सभी मसालों को हम अच्छे से धीमी आँच पर चम्मच चलाते हुए चनों को अपने अच्छे से भून लेंगे। देखिए, चने पे जितना भी हमने मसाला डाला है सब इस पे कोट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डाला है, और जब चने बॉईल किए थे तब भी थोड़ा नमक डाल करके ही हमने इन्हें बॉईल किए हैं। देखिए, सारे चनों को हमने इसी तरह से भून लिया है। यहाँ पर हम थोड़े से कटे हुए बारीक टमाटर, थोड़ी सी हमने प्याज डाली है 1 से 2 चम्मच, बारीक 1 हरी मिर्च को हमने काट के डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे खट्टापन देने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 नींबू का रस डाला है। सभी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। देखिए, चने हमारे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह से ज़रूर बना कर देखें। आइए इन्हें सर्व करते हैं। आप भी हमारी तरह से ही चनों को फ्राई करें। पहले ऑयल में हम चने डालेंगे, फिर मसाले। इस तरह से हमारे मसाले जलते नहीं हैं। अगर हम ऑयल में इसी तरह से मसाले डाल देंगे पहले, तो मसाले सभी जल जाएंगे। तो आप हमारे तरीके से बनाएं, और लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।